व्यूअर्स, आज मैं समीनाज डेली रूटीन में मटन कढ़ाई बनाऊंगी। अभी जो मटन का गोश्त गलाने के लिए जिन अज़ा की ज़रूरत है उस वो ये अज़ा हैं। मटन आधा किलो है हमारा, एक साइज़ किया हुआ टमाटर है बड़ा, दो एक खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, एक बड़ी या मीडियम साइज़ की प्याज है और तीन चार जो है वो हरी मिर्चें जो मैंने स्लाइस की हुई हैं। ये हम अपने पैन में डाल के दो गिलास पानी के साथ इसको गोश्त को गलाएंगे और फिर बाकी जो अज़ा चाहिए होंगे वो फिर मैं आपको बताती हूँ और दिखाती भी हूँ। ये बस हम सिंपल गोश्त डालें, पैन गर्म था इस वजह से ये दो गिलास पानी, ये जो हमने डालने हैं प्याज और मिर्चें, टमाटर और दो खाने का एक खाने का चम्मच या डेढ़ खाने का चम्मच कर दें आप, ये अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसके साथ हमने अपने मीट को गला लेना है और फिर जो बाकी चीज़ें डलेंगी वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। लेकिन नाज़रीन अब हमारा ये गोश्त गल गया है, अब जो इसमें मैं चीज़ें डालूंगी वो ये हैं, ये एक कप तेल है, दो खाने के चम्मच स्लाइस किया हुआ अदरक लहसुन अदरक है स्लाइस किया हुआ, आधा कप जो है फिटा हुआ दही है, ये चार से पाँच जो स्लाइस किए हुए टमाटर हैं, आधी चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, एक चाय का चम्मच नमक या अपने जायके के हिसाब से, डेढ़ खाने का चम्मच धनिया कुटा हुआ और आधा चाय का चम्मच ज़ीरा और एक चाय का चम्मच काली मिर्च कुटी हुई और ये हरी मिर्चें पाँच से छः अदद जो मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं, हमें ये चीज़ चाहिए। हम इसमें तेल डालेंगे, इसमें थोड़ा ज़्यादा तेल इसलिए डलता है बाद में हम निकाल सकते हैं कि टमाटर जो है वो इसी में इसके साथ तेल की वजह से जो है गलते हैं। ये मैं टमाटर डालूंगी, अभी इसमें लाल मिर्च का पाउडर नमक जाएगा और ये थोड़ी देर हम इसको पकाएंगे। नाज़रीन ये तेज़ आंच में हम पकाएंगे ताकि ये टमाटर भी गल जाए अच्छे से और जो इसका पकाने का तरीका है वो है भी यही, साथ साथ इसे पकाएंगे और भूनेंगे साथ साथ। नाज़रीन हमारे भूने के बिल्कुल नज़दीक है गोश्त हमारा, थोड़ा इसने घी छोड़ना शुरू कर दिया है, ये एक दो मिनट और हो जाए फिर इसके अंदर मैं जो हूँ दही डालूँगी। नाज़रीन ये अब हमारा गोश्त भुनने के नज़दीक आ गया है, बिल्कुल भुनेंगे, अब मैं इसके अंदर दही डालूँगी, चूल्हे को बिल्कुल हल्का कर लेंगे फिर दही डालेंगे ताकि दही कर्डल ना हो। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, जब अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा फिर चूल्हा तेज करेंगे। मैं चूल्हा थोड़ा तेज़ कर देती हूँ ताकि अब इसके साथ दही के साथ थोड़ी सी देर पका लें। अब नाज़रीन हम डालेंगे ये पिसा हुआ ज़ीरा, भुना हुआ कुटा हुआ धनिया और काली मिर्च डाल के हम दो तीन मिनट इसे भी पकाएंगे, अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब मैं इसमें हरी मिर्चें डालूंगी, और थोड़े से अदरक के स्लाइस डाल के तो मिक्स करके
3-4 मिनट के लिए हम इसको दम कर देंगे ताकि इसमें अच्छा सा फ्लेवर आ जाए हरी मिर्चों का। नाज़रीन, अब हमारा मटन कढ़ाई तैयार हो गया है। मैंने चूल्हा बंद कर दिया है, अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। अभी ऊपर से हम स्लाइस की डालेंगे अदरक लहसुन के, थोड़ा सा हरा धनिया। अगर नाज़रीन आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आगे आने वाली हर वीडियो आपको वक्त पे पहुंच जाए। शुक्रिया।